बीजेपी कार्यालय का विधायक शशांक त्रिवेदी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सीतापुर की विधानसभा 145 महोली के अंतर्गत आज काजी कमालपुर में वर्तमान बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया द्वारा जब कार्यकर्ताओं से बात की गई, इस बार जनता किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट करेगी, तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि 5 साल के विकास कार्य जैसे महीने में 2 बार मुफ्त राशन, 18 घंटे बिजली, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर रोक एवं मंचलों पर शिकंजा कसा गया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विकास कार्य योगी सरकार ने किए हैं। मीडिया द्वारा जब विधायक शशांक त्रिवेदी से बात की गई कि गठबंधन भी 300 सीटें पार करने का दावा कर रहा है और बीजेपी भी 300 पार का दावा कर रही है, तो इस पर भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि गठबंधन 300 में से 20 निकाल दे, मतलब केवल 3 सीटें गठबंधन के खाते में जाएंगी। ऐसा कहना है वर्तमान भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी का। एरिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह महोली, ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, एरिया मंडल अध्यक्ष जय प्रकाश त्रिपाठी, बुद्धा खान हाजीपुर, दीपू सिंह, बबलू सिंह चौहान, संजय सिंह केशवपुर, जय प्रकाश शुक्ला अलीपुर, अलीपुर पूर्व विधान रिपीट, पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार शुक्ला, धीरेंद्र सिंह चौहान शहजापुर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एलिया सुरेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हरनी बाबूराम वर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरलाइन भारत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रदेश में यूपी चुनाव की तैयारियां बहुत तेज चल रही हैं और 10 तारीख का चुनाव हो भी चुका है। अभी आने वाले कई चरण बाकी हैं चुनाव में। वैसे में आज यहाँ सीतापुर के विधानसभा 145 महोली के अंतर्गत काजी कमालपुर में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वैसे में आइए यहाँ जानकारी देते हैं कुछ लोगों के, लोगों के किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, जानकारी देते हैं आए हुए। नाम बताएं आप भाजपा में भाजपा से दोबारा वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा ने राष्ट्र को मन में रखा, हमारा स्वयं को मजबूत किया और गरीब को गरीब को और भ्रष्टाचार को लगाम। क्या लगता है इस बार योगी सरकार बना पाएगी? हाँ, तो बन गई मोहम्मद सरकार तो बन गई। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया। हाँ हाँ, हर जनता से प्यार सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन भी कह रहा है कि 300 पार कर रहा है। अरे वो तो सब कुछ कहेंगे और सब कुछ कहते हैं, ऐसे ऐसे घोषणाएँ करते हैं, ऐसे नाप करते हैं। हाँ, वो तो कहने मतलब पहले कोई काम नहीं लगाई जा सकता। मोबाइल हटाओ। भ्रष्टाचारियों को बाहर करना और अपने मोहली विधानसभा में ईमानदारी से कार्य करना। पार जा रहे हैं और माननीय योगी जी भी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, इसमें सच्चाई किसकी सरकार बनेगी? कैसे उनका खाता खुलेगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो 300 में 3 हटा दें, 00 ले। आप बताएं क्या नाम आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी बताएं इस बार कौन सा मुद्दा है जनता किस मुद्दे पर होती है? जैसे जैसे सरकार रही 300 यूनिट बिजली आई ही नहीं, सरकार रही बूझ खत्म हो गई, बिजली जब आएगी यहाँ आए हैं किसी बात का हिम्मत ही गलत है। भाजपा में जो है गुंडागिरी जो है 0 पॉइंट पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज है सुबह शाम रात सुबह के डे टाइम भी कहीं भी निकल सकते हैं। और अन्य सरकार में ऐसा नहीं था, जगह जगह छेड़खानियाँ होती थी, स्टैंड है, सच्चा है, अब ऐसा कहीं भी नहीं। आप भी देखते हो। अच्छा ये बताएं कि जैसे इस समय गठबंधन जो है अखिलेश यादव और वो भी कह रहे हैं 300 पार पे,
जनता पार्टी सरकार में वोट दे रही भाजपा विकास के लिए पीटीसी कर रहे हैं भाई, रुक के बात कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है और माननीय योगी जी की प्राथमिकताओं को गिनाया है। किस तरह से यूपी में गुंडागर्दी खत्म हुई है, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्य योगी सरकार में हुए हैं जिसके आधार पर पुनः भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुनः यूपी में योगी सरकार बनने जा रही है। कैमरा मैन प्रेम किशोर के साथ सर्वेश दीक्षित, रिपोर्ट जिला संवाददाता आरनाई भारत सीतापुर। कैमरा मैन प्रेम किशोर के साथ सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, जिला संवाददाता आर9 भारत सीतापुर उत्तर प्रदेश।